पहली बात तो मैं इस जो हरकत हुआ है इसको मैं खंडन करता हूँ। हमारा जो देश है ये सेकुलरिज्म है, इस हमारे देश में हिंदुज़म है, मुस्लिम है, बौद्धिज़म है, जैनिज़म है, उस कंट्री के अंदर हम समानता के ऊपर चल रहे हैं, वो भी खास करके हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट की जो बसर पहले है, ये तो मानवता आधार के ऊपर चल रहा है। इधर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का जो आदमी है हम भाईचारे के नाते चलाते हैं। कोई भी कम्युनिटी का कोई भी बंदा अगर गलत काम करता है उनका सख्त सख्त जो IPC के अंदर जो कायदे कानून के तौर पर जो अहम है उसको सख्त कार्रवाई करेंगे। जो आपने पूछा है कुछ लड़कों लोग कुछ ये पोस्ट किया थे बोल रहे हैं, अभी मैं भी इसमें वॉल में देखा है जो हमारा माननीय SP साहब ने बोला, मेरे उधर जाको बसवन में क्या हो रहा है, जस्ट अभी आया मैं देखा हूँ कुछ जो हरकत किया है उस लड़के को हम अरेस्ट कर चुके हैं, अभी एफ IR हो रहा है, जो लीगल प्रोसेस हम जरूर करेंगे। सिर्फ वो अकेले लड़के की बात नहीं, इसके पीछे कौन है, क्या जड़ ये है, उसके जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके पीछे कोई भी हो हम उसको कायदे कानून पर हम नहीं छोड़ेंगे, हम सख्त सख्त जो कानून पर हम कार्रवाई करेंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक और भी वादा यह किया है उन्होंने कि इसके पीछे जो भी है, जिसने ये पोस्ट जिसने किया है ये अकेला नहीं है, इसके अलावा भी इसके पीछे बहुत सारे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए कहा रहा है। तो नहीं, बिल्कुल बहुत ये बात जरूरी है। कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ अकेले का बात नहीं है, जो अकेला आदमी लड़का अगर पोस्ट किया है इसके कोई भी हो सकता है ना, तब यूनिवर्सिटी में जो आता है जो जिसका नाम है तो पक्का कार्रवाई करना पड़ेगा, ये तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। इस तरह के पोस्ट रखने के लिए आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, एक बात तो अभी देख रहा हूँ, अभी जो आज